Well, and today we discuss on conjunctive normal form, how to convert the first order into the conjunctive normal form. तो conjunctive normal form के लिए कुछ rule follow करने होते हैं हमें. तो इसके कुछ rule हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर इसका एक example लेके show out करेंगे कि कैसे solve करते हैं. तो firstly क्या करना है, eliminate करना है by conditional को, means हमें जो normal form है वो किस form में लेके आनी है, conjunction की form में. इस तरीके से कि P इंटू क्यू हमारा इस फॉर्म में आ जाए. तो इसके लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे. तो उसके लिए क्या है, एलिमिनेट बाई डायरेक्शन. बाई डायरेक्शन मीन्स हमारे पास P क्यू है, तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं. तो P इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज P, ये हमारा बाई डायरेक्शन को एलिमिनेट करने का फॉर्मूला होता है. फिर क्या करना है, एलिमिनेट द इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन मीन्स हमारे पास पी इम्प्लीकेशन क्यू है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास नेगेटिव कर देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट का, फिर और ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, और क्यू मीन्स नेगेटिव देन डिजक्शन क्यू, ये हमारा एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे हम इम्प्लीकेशन को. फिर क्या है, मूव द नेगेशन इन वर्ड. जैसे मेरे पास ये है नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव अंदर चला जाएगा, नेगेशन पी और अंदर के जो साइन है उसको चेंज कर देगा कंजक्शन को डिजक्शन में, डिजक्शन को कंजक्शन में. और ऐसे ही जैसे मेरे पास अलग से कोई स्टेटमेंट है, जैसे नेगेशन और एक्स वाई, इस तरीके से. तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये कैसे सोल्व करेगा, ऑल को एग्जिस्टिंग में चेंज कर देगा, सम एग्जिस्टिंग में, और जो सम एग्जिस्टिंग क्वांटिफायर है उसको किस में चेंज कर देगा, ऑल क्वांटिफायर में चेंज कर देगा. इस तरीके से ये चेंज कर देगा. और स्टैंडर्डाइज क्या है, यूज़ द न्यू वेरिएबल फॉर ऑल क्वांटिफायर. जितने भी क्वांटिफायर हैं उनको एक न्यू वेरिएबल डिफाइन करेंगे. मीन्स जैसे मेरे पास स्टेटमेंट है ऑल एक्स ए एक्स वाई एक्स बी एक्स वाई, इस तरीके से. जैसे मेरे पास स्टेटमेंट है, जैसे मैंने इसको ऑल एक क्वांटिफायर को एक्स दे दिया, तो नेक्स्ट को मैं एक्स वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकती, तो नेक्स्ट को मुझे वाई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी. मीन्स जितने भी क्वांटिफायर या जितने भी यूज़ करेंगे उनको अलग से एक न्यू वेरिएबल हमने डिफाइन करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट क्या है, प्री नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म. प्री नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म का हमें पता है, इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो है. आप पूरे एग्जांपल से देखना चाहते हैं तो प्री नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जितने भी क्वांटिफायर हमको फ्रंट पे ले आएंगे. जैसे मेरा ये क्वांटिफायर है, ये इसको मैं आगे मूव कर सकती हूँ. इस तरीके से इनको आगे मूव करने के लिए कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो. इसके लिए इस तरीके से मैं इसको कर सकती हूँ. फिर क्या है, स्कोलमाइजेशन. स्कोलमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो ये समथिंग सम एग्जिस्टिंग क्वांटिफायर है उसको हमें रिमूव करना है. और उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी इसको वेरिएबल डिफाइन कर रखा है उसको किसी कांस्टेंट वैल्यू में चेंज कर देते हैं, या इससे पहले ये ऑल क्वांटिफायर प्रेजेंट है तो उसको किसी फंक्शन में चेंज कर सकते हैं. तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो. तो ये रूल था. सेवन्थ रूल क्या, रिमूव था ऑल एक्स, तो ऑल क्वांटिफायर है उसको रिमूव कर देंगे. तो इसके लिए क्या है, सीधा हमें क्या करना है, इसको रिमूव कर देंगे. और क्या लिख सकते हैं, जैसे रिमूव ऑल एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सीधा पर्सन एक्स, इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकती हूँ. और फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ यूज़ करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ कौन से होते हैं हमारे, जैसे ये वैल्यू है तो इसको मैं किस में चेंज कर सकती हूँ, बी सी कर लेते हैं. जैसे हमारा ये है तो ये क्या चेंज हो जाएगा, ए बी, और ये जो साइन है ये बार आ जाएगा और किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी और सी, इस तरीके से. या हमारे पास जैसे ये है ए बी सी, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, ए इम्प्लाइज बी और ए इम्प्लाइज, इस तरीके से मैं इनको शो कर सकती हूँ. ये मेरे रूल थे. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे इसको एग्जांपल से हम सोल्व कर सकते हैं. तो एक एग्जांपल लेंगे,
जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, मेरे पास एग्जांपल है पी क्यू इम्प्लाइज पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू नेगेशन ऑफ द पी और क्यू, इस तरीके से ये मेरे पास एक फॉर्म है। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी वो देख लेते हैं। तो पहला हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी रूल, फर्स्ट रूल हमारा है कि हम इसको एलिमिनेट करेंगे, तो पहले इनर जो स्टे ब्रैकेट है वो वाला सोल्व करेंगे। तो फर्स्टली ये सोल्व करेंगे, तो हमें पता है नेगेशन को सोल्व करने का हमारे पास क्या होता है, पी क्यू को नेगेशन पी और क्यू, तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा नेगेशन पी, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ द पी और यहाँ पे क्या आ जाएगा और पी क्यू, और बाकी जो स्टेटमेंट है उसको यूं का यूं लिख देंगे, पी इम्प्लाइज क्यू नेगेशन। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब ये भी मेरा इनर ब्रैकेट के अंदर है तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँगी वो देख लेते हैं। तो इसमें भी यही होगा, नेगेशन बार रखेंगे क्योंकि नेगेशन पे कोई इम्प्लाइज नहीं है, तो नेगेशन पी क्यू और यहाँ पे मेरा आ जाएगा और पी क्यू, और बाकी जो मेरी स्टेटमेंट है वो यूं की यूं रहेगी, नेगेशन यहाँ पे मेरा नेगेशन पी क्यू और पी क्यू। अब नेगेशन को मैं अंदर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, नेगेशन नेगेशन कर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जो ये साइन है मेरे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंजक्शन में। ऐसे ये जो मेरा साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, मेरा अब नेगेशन नेगेशन पॉजिटिव, तो पी सिस क्यू और ये मेरा किस में चेंज हो जाएगा, कंजक्शन फॉर्म में, पी इम्प्लाइज क्यू। तो इस तरीके से मेरी ये फॉर्म आ जाएंगी। क्योंकि ये कहीं वो रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जहाँ पे इसको नेगेटिव मिलेगा उसको ये पॉजिटिव कर देगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती हूँ। तो ये सी एन एफ फॉर्म में आ गया है। ऐसे ही और एग्जांपल ट्राई करेंगे कि कैसे हम नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सी एन एफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।